आतंकियों के साथ गठजोड़ के आरोप में पकड़ा गया टीएसपी देवेंद्र सिंह का शुरू से ही विवादों से नाता रहा। 1992 में जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हुआ था। देवेंद्र सिंह को लेकर दरअसल कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया था, हर बार वो अपने गुड लक के चलते बचता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और वो दिन आ ही गया जब देवेंद्र सिंह आतंकियों के साथ गिरफ्तार हुआ। लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी पर सियासत भी खूब हो रही है। वर्दी पर सवाल, सियासत में बवाल, वर्दी में आतंकी, शुरू हो गई सियासी घेराबंदी। क्या आतंक का भी कोई धर्म होता है? आखिरकार सुरक्षा पर सियासत कब तक? जम्मू कश्मीर के कुलगांव से डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी ने बवाल मचा दिया है। आतंकियों के साथ कनेक्शन और किसी बड़े हमले की आशंका के मद्देनजर देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी कई मायनों में अहम है। क्या जम्मू कश्मीर में तैनात डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकियों के साथ मिलकर बड़े हमले का प्लान रच रहा था? इतना ही नहीं, देवेंद्र सिंह का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ये सब ऐसे सवाल हैं जो सियासत से बढ़कर सुरक्षा के लिए अहम है। लेकिन इन सब के बीच जो सियासत शुरू हुई है, उससे एक बात तो साफ है कि मामला कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो, सियासत तो होगी ही। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को लेकर कांग्रेस और विपक्ष की कई पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई हैं। देवेंद्र सिंह पर सियासत किस तरह से हो रही है, कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार क्या है, ये सब आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले देवेंद्र की गिरफ्तारी को लेकर कुछ अहम जानकारियां आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में इस तरह एक सीनियर ऑफिसर का आतंकियों के साथ मिले होना सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। डीएसपी देवेंद्र सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन और लश्करे तैयबा के दो आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिस वक्त देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त देवेंद्र सिंह के साथ कार में आतंकी नवीद अहमद शाह उर्फ नवीद बाबू और रफी अहमद भी मौजूद थे। इसके साथ ही आपको बता दें, देवेंद्र सिंह के आवास से पुलिस ने 3 AK-47 राइफल्स और 5 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। वहीं देवेंद्र सिंह के मामले में नया खुलासा यह भी हुआ। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह ने आतंकियों को पहले चंडीगढ़ और फिर दिल्ली पहुंचाने के लिए लाखों रुपयों की डील भी की थी। संसद हमले के दोषी आतंकी अफसर गुरु से डीएसपी के कथित कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। देवेंद्र सिंह को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार आगाह किया था, कभी किस्मत तो कभी लापरवाही की वजह से डीएसपी देवेंद्र सिंह बार बार बचता रहा। लेकिन 11 जनवरी को सुबह जब वो श्रीनगर से अपनी i10 कार में अपने घर से निकला, तो उसका बैड लक शुरू हो चुका था। और फिर जवाहर टनल से पहले पुलिस ने उसे हिजबुल के दो टॉप आतंकियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार डीएसपी देवेंद्र सिंह कौन है। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा का रहने वाला है देवेंद्र सिंह। 1990 में सब इंस्पेक्टर के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हुआ। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। करियर में कई बार विवाद आए, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस को आगाह भी किया गया। इतना ही नहीं, देवेंद्र सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा। रंगदारी से लेकर ड्रग्स तक बेचने के आरोप लगते रहे, लेकिन हर बार वो बचता रहा। देवेंद्र सिंह को ड्रग्स के सौदागर के रूप में अवैध तरीके से नशीली दवाइयां बेचते पकड़ा गया, उसके खिलाफ जांच भी हुई। देवेंद्र सिंह के खिलाफ रंगदारी के आरोप भी लगे। इन सब के बीच 1990 के दशक में देवेंद्र सिंह ने 10 साल तक एसओजी के साथ भी काम किया। इस दौरान देवेंद्र सिंह को उसके काम के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला, जबकि एक बार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में देवेंद्र सिंह घायल भी हो गया।
अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बीच इस बार देवेंद्र सिंह बच नहीं पाया और जम्मू कश्मीर पुलिस के हत्थे आतंकियों के साथ चढ़ ही गया। देवेंद्र सिंह से जहां एक तरफ पूछताछ जारी है तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र सिंह को लेकर सियासत भी जोर मार रही है। देवेंद्र सिंह के बहाने बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस सुरक्षा के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर पुलवामा आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, कुलगाम में हिजबुल आतंकियों के साथ गिरफ्तार हुए पुलिस अधिकारी का नाम इत्तेफाक से देवेंद्र सिंह है। अगर देवेंद्र खान होता तो विवाद बढ़ता। मजहबी रंग और कर्म को किनारे रखते हुए देश के ऐसे दुश्मनों की एक सुर में आलोचना की जानी चाहिए। जहां एक तरफ अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर ट्वीट से हमला किया तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सवाल दागे। देवेंद्र सिंह डीएसपी है कौन? देवेंद्र सिंह डीएसपी का 2001 के संसद के हमले, देवेंद्र सिंह डीएसपी जो उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में थे, पुलवामा के हमले जहां 42 जवानों की जान गई, उनसे क्या कनेक्शन है? क्या देवेंद्र सिंह के बारे में आज कहा जा रहा है सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा कि वो 12 लाख की एवज में दो उग्रवादियों और एक उनके सहायक को दिल्ली ला रहा था शायद 26 जनवरी के दिन हमला करने के लिए? क्या ये देवेंद्र सिंह अकेले ही काम कर रहा था या वो एक छोटा सा मोहरा है और ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, और उस षड्यंत्र का सूत्रधार कौन है? क्या कहीं कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर आसीन है जिसे इस देश के सुरक्षा मामलों की जानकारी है, कहीं देवेंद्र सिंह का उससे कोई कनेक्शन तो नहीं? कांग्रेस के तमाम सवालों के बाद बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला और एक एक करके कांग्रेस पर पलटवार करने शुरू कर दिए। न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी और रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा गया बल्कि कांग्रेस को सुरक्षा के मुद्दे पर चैलेंज करते भी वो नजर आए। आतंकवाद के ऊपर धर्म की राजनीति करना ये सदैव से कांग्रेस का तरीका रहा है। सैफरन टेरर, हिंदू आतंकवाद, यह शब्द किसी ने कॉइन किया था तो वह कांग्रेस पार्टी है। एट द बिहेस्ट ऑफ सोनिया गांधी द कांग्रेस पार्टी हैड कॉइन्ड द टर्म सैफरन टेरर। वी हैव डिबेटेड, वी हैव डिस्कस्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स अबाउट दिस इश्यू ऑफ हिंदू टेररिज्म एंड सैफरन टेरर। किसने पुलवामा हमला किया था इसमें रत्ती भर का भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में संशय है क्या? I challenge the Congress party and I challenge the Congress president today. If she doubts as far as the perpetrators of the Pulwama attack is concerned, she should come on the camera and she should declare so. आप कैमरे में आइए और आज आप ऐलान करिए कि आपको हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, हिंदुस्तान के ये पूरी जो प्रक्रिया चलती है इंटेलिजेंस की, धरपकड़ की, सरकार की, इन पर आपको विश्वास नहीं है। और आप अगर मानते हैं कि पुलवामा के हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था, पाकिस्तान ने पुलवामा का हमला नहीं कराया, तो किसने कराया? आप आके कैमरे पे बोलिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच देवेंद्र सिंह की लड़ाई में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी पूछताछ में देवेंद्र सिंह कौन कौन से राज और खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो देवेंद्र सिंह 11 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस के चंगुल में आ गया। वजह बिल्कुल साफ थी, वो 3 से 4 आतंकियों को लेकर एक गाड़ी से रवाना हुआ था और उसके बाद DIG के निर्देश पर दरअसल उसे धरा गया। उसका पुराना जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि उसने बहुत से काम अच्छे किए हैं, लेकिन कई बार वो संशय के दायरे में भी आया। हालांकि उसका प्रमोशन भी ड्यू था, लेकिन इसी बीच ये जो अहम जानकारी लगी जिसके बाद लगातार सियासत अब गरमा रही है, जहां रणदीप सुरजेवाला ने पुलवामा का जो कनेक्शन है उसके पीछे की साजिश पर इशारा करते हुए कुछ बोलने की कोशिश की है, वहीं बीजेपी ने यहां मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को अगर लगता है कि इस मामले में जरा भी संशय है तो फिर आकर कैमरे पर खुले तौर पर बोले।
अब देखना यह होगा कि वाकई इस पर सियासत परवान चढ़ती है, और अगर चढ़ती है तो उसका हश्र या नतीजा क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए R9 TV के साथ सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।